Good morning everyone, this is Dr. Mohit Arora and today we are talking about self, ठीक है, खुद के बारे में कैसे बात करते हैं ये अपना नेक्स्ट सेशन है, इस पर ही अपने बात करेंगे, ठीक है। जैसे खुद के बारे में अपने बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तो माई नेम इज अमित, पहले आप अपना नाम बताते हैं, किस में स्टडी कर रहे हैं या क्या वर्क कर रहे हैं वो बताते हैं। आई डोंट लाइक मैथ, आप मैथ पसंद नहीं करते, पसंद नापसंद बताते हैं, आई लाइक हिस्ट्री, ठीक है, कि नाम बताएंगे, क्लास वगैरह बताएंगे और आप पसंद नापसंद बताते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जो खुद के बारे में आप बताते हैं, ठीक है। यू मे नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑन मैनी ओकेजन, स्पेशली वेन यू मीट न्यू पीपल, जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलते हो तब क्या करना पड़ता है आपको, तब खुद को सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ की अपने बात करेंगे तो वेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मे वॉन्ट टू नाउ मोर अबाउट यू, ठीक है। तो क्या अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपके बारे में वो जानना चाहता है तो आपको इंट्रोड्यूस, खुद को इंट्रोड्यूस क्या है करवाना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल अपने ऊपर देख ही लिया है, ठीक है। वेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मीट टू नाउ, ये अपना हो गया। You will need to introduce yourself by telling them about yourself as shown in figure, ठीक है। तो ये फिगर में दे रखा है, जैसे my name is Amit, I like and study, जो भी आप स्टडी करते हो क्लास में, क्या लाइक करते हो क्या डिसलाइक वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ में नाउन जो है फर्स्ट आ जाता है अपना। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज यूज फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडिया के लिए यूज होता है नाउन का, ठीक है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स आर अली, दिल्ली, फुटबॉल, ठीक है। वर्ब इज डूइंग वर्ड, इसको छोड़ दो, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेम है व्हाट दे डू, क्या आप करते हो, पढ़ते हो, क्रिकेटर हो, क्या स्टूडेंट हो वो बताते हैं। एज जनरली बताने की जरूरत नहीं होती है, होम टाउन बताना होता है कि जैसे माई नेम इज मोहित अरोड़ा फ्रॉम संगरिया, ठीक है, तो आप होम टाउन बता सकते हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी खुद को, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, लाइक डिसलाइक वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, वो तो आपको पता ही होता है, ठीक है। समवन इंस्टेंट ऑफ टॉकिंग यू विल हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ इन ए फोरम, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कभी अपने बारे में बताइए तो आप क्या है पहले लिख के रख लो कि मेरा नाम ये है, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें क्या है आप बोलते टाइम अटकोगे नहीं, ठीक है। ए फॉरम इज़ ए टाइप्ड और प्रिंटेड पेज विद ब्लैंक स्पेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक प्रिंट कराकर आप एक पन्ने पर रख सकते हो, वैसे आजकल कौन प्रिंट कराता है, कॉपी पे लिख कर याद कर लो। ईच फॉरम इज़ डिफरेंट, सो यू शुड रीड इट प्रॉपरली बिफोर फिलिंग, ठीक है। राइट नेटली, बस यहाँ तक ज़्यादा मत करना, ठीक है, बाकी तो ऐसे एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। फॉरम के अंदर तुम्हें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, सिग्नेचर ये भरना होता है अगर कोई फॉरम वगैरह तुम भरते हो, ठीक है। ये फॉरम भरने का ही है, फिलिंग ए फॉरम। एग्जांपल दे रखा है इसमें, हरीश है, वो 5 दिसंबर 1999 उसका बर्थ है और वो आगरा में रहता है। हाउस का नाम उसका सुख निवास है, हाउस नंबर 13 है, राजा नगर के अंदर है। तो इस तरह से उसने एक प्रॉपर अपना एड्रेस लिख रखा है, बट टाइप करके एक फॉरम बना रखा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आस्किंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हो, किसी पर्सन से पूछ रहे हो और वो आपको क्वेश्चन का क्या दे देता है, आंसर दे देता है, ठीक है। ए क्वेश्चन इज ए सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट आइदर आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और इज यूज टू टेस्ट समवन नॉलेज, ठीक है। या तो आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हो या किसी दूसरे के आप नॉलेज को टेस्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चन करते हो। वी ऑलवेज यूज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। इन आवर डे टू डे इंट्रैक्शन विद अदर वी ऑफन हैव टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू गेट इन्फॉर्मेशन, के लिए आप क्वेश्चन पूछते हो। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प अस गेट द इन्फॉर्मेशन वी वॉन्ट एज शो इन फिगर, ठीक है। तो इस तरह से फिगर पर दे रखा है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड, ठीक है। क्या क्या होते हैं, देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर विद ए यस और नो आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब यस या नो में कोई आंसर हो जाए, जैसे आर यू हंगरी, क्या तुम भूखे हो, यस अगर हो तो यस, नहीं तो नो, ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब एक सवाल में हाँ या ना हो जाए। एक हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन,
कि आपको ऐसा सवाल पूछना है कि आपको जवाब मिले और उसमें से फिर आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सको, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसमें फोरम एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला हुआ है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो आप कहते हो एन एप्पल। ठीक है, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन का ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ओपन एंडेड का आगे आएगा। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड ये, ठीक है, ये आ जाता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। बट जैसे व्हाट डिड यू डू, ठीक है, आई वांट टू द पार्क, ठीक है, इस तरह जो भी व्हाट व्हाई हु हाउ व्हेन वेयर इससे शुरू होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इस इन क्वेश्चनों का क्या है, यस नो में आप आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, व्हाट व्हाई हु हाउ व्हेन वेयर, इनका यस और नो में नहीं दे सकते, इनको आपको पूरा बताना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट फैमिली, ठीक है, फैमिली के बारे में बात वगैरह करना, तो ये भी है इसका आपका एक सेशन है। हाउ बिग और स्मॉल इन योर फैमिली, व्हाट हैपेंड व्हेन समवन आस्क यू अबाउट फैमिली, व्हाट डू यू से, कोई आपकी इंग्लिश के बारे में पूछे, सॉरी कोई आपकी फैमिली के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे, उसके बारे में इसमें बता रखा है। ठीक है, जैसे इसमें तो ये तुम्हें पता ही होंगी ये सारी चीज़ें, तो जैसे ग्रैंड पेरेंट्स किसको बोलते हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को क्या बोलेंगे, आपका ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, वो उसको बोलो ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी। ठीक है, सिस्टर ऑफ बोथ फादर एंड मदर आजकल आंट बोलेंगे। ठीक है, चाहे आपकी मम्मी की सिस्टर हैं, चाहे आपके फादर की सिस्टर है, फादर की सिस्टर है या ब्रदर हैं, तो उनको आंट्स बोलोगे, सिस्टर है तो आंट्स हैं और ब्रदर है तो अंकल बोलोगे। चिल्ड्रन ऑफ ऑल आंट्स, ठीक है, उनको कज़न ही बोलोगे आप, चिल्ड्रन जो हैं ऑल आंट्स की उसको क्या बोलोगे, कज़न ही बोलोगे। फैमिली मेंबर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ आर नोन एज इन लॉ बोलोगे, ठीक है, मेंबर ऑफ हस्बैंड और वाइफ के, ठीक है, उनको इन लॉज बोलोगे, जैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, इस तरह से। ब्रदर और सिस्टर ऑफ हस्बैंड भी, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम जानते ही हो नॉर्मली। ठीक है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, पेरेंट ऑफ द वाइफ का फादर इन लॉ हो जाएगा, मदर इन लॉ हो जाएगा, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड का फादर इन लॉ मदर इन लॉ, इस तरह से ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही है। ठीक है, जो ये पूरा फैमिली का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, ठीक है, फिर इनके जो चिल्ड्रन होते हैं माई फादर सिस्टर, इस तरह से है, फिर इनके फादर है, इसके भी फादर हैं, इसके बच्चे हैं, इस तरह से पूरा ग्राफ दे रखा है। न्यू वर्ड्स क्या है, वर्ड्स दैट शो रिलेशन, ठीक है, कुछ वर्ड हैं जो उससे रिलेशन शो करते हैं, जैसे माई फादर्स माई मदर्स, इस तरह से फादर सिस्टर मदर सिस्टर, तो इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, बस इतना याद रखना, एस के बीच में अपोस्ट्रोफी लगाना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ। वर्ल्ड शोइंग ओनरशिप एंड रिलेशंस, ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब हैबिट्स एंड रूटीन। ठीक है, तो हैबिट्स और रूटीन के बारे में अपने पढ़ते हैं, जो हैबिट बनाते हैं रूटीन है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट क्या होती है, ए हैबिट इज़ ए प्रैक्टिस दैट वी फॉलो स्पेशली वन दैट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप और गिव अप। ठीक है, हैबिट वो होती है जो आपकी रूटीन के अंदर आ जाती है, डेली रूटीन के अंदर आ जाती है, जिसको आप गिव अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग अप एट ए पर्टिकुलर टाइम इज ए हैबिट। ठीक है, मान लो आप 7 बजे उठ रहे हो या 8 बजे उठ रहे हो, तो वो आपकी हैबिट बन चुका है, तो उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, बदल सकते हो लेकिन गिव अप करना, स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ए रूटीन इज ए रेगुलर ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग एक्टिविटी एज ए फिक्स टाइम। ठीक है, ए रूटीन क्या है, जो रेगुलर में बेसिस पे होता है वो रूटीन होता है, ऑर्डर्ड वे टू डूइंग एक्टिविटी एज ए फिक्स टाइम। ठीक है, ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग एक्टिविटी एट ए फिक्स टाइम, जो रूटीन होता है वो रेगुलर होता है और उसका क्या है, जो एक्टिविटी के अंदर अपने फिक्स होता है। देर आर सम फ्रेजेस दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब योर रूटीन। ठीक है, सम वर्ड लाइक एवरी डे यूजली ऑलवेज सम टाइम नेवर कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अवर हैबिट और रूटीन। ठीक है, रूटीन आपका होगा जो आपका रेगुलर हो, ऑर्डर वे के अंदर हो और फिक्स टाइम के अंदर हो जाए। ठीक है, जैसे आपका डेली रूटीन है आना अपने स्कूल जो पढ़ना है, फिर आपको कोचिंग जाना है और फिर आपको घर पे पढ़ना है, तो ये आपका डेली रूटीन हो गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हैबिट और रूटीन के प्रियाज डेज इसने बता रखा है,
ये अपना डेली रूटीन एग्जांपल बता रखा है। जैसे प्रिया अपना रूटीन बना रही है अपने, एवरी डे आई गेट अप ए 7 AM, मैं 7 बजे उठती हूँ, आई टेक ए बाथ 7:30 पर बाथ लेती हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट 8 AM, गो टू स्कूल 8:30, कम बैक होम 2 PM, देन आई आयरन एंड फोल्ड माई क्लोथ। ठीक है, मैं कपड़े अपने वापिस प्रेस करके रख देती हूँ। ठीक है, आयरन। आई हैव डिनर विद माई फैमिली 7 PM को डिनर करती हूँ, आई हेल्प वॉश द टेंसिल मतलब बर्तन धोने में हेल्प करती हूँ, 8 बजे TV देखती हूँ और 9 बजे वापस हो जाते हैं। तो ये प्रिया ने अपना रूटीन बनाया है। ऑल द अबव स्टेप्स डन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम प्रिया रूटीन। ठीक है, वन बाय वन उसने सारा रूटीन बनाया। शी डज दैम डेली इन द सेम ऑर्डर, ये उसका डेली का रूटीन है, डेली वो ऐसे करती है। सम आर हैबिट हैं, कुछ उसकी हैबिट हैं, जैसे बात वॉचिंग TV, तो ये उसकी हैबिट के अंदर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रिया हैबिट है, फिर वो हैबिट दे दी, रीना की हैबिट दे दी। ठीक है, वो उससे सवाल पूछ रही है, वो आंसर है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड है जैसे ऑलवेज है, नेवर है, समवट है, इसको आप कब यूज करते हो? डिस्क्राइब व्हेन यू डू एन एक्टिविटी, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आस्किंग फॉर डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन वाली है। इसको भी अपने आस्किंग फॉर डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन के लिए पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन लॉस्ट एंड आस्क अदर फॉर डायरेक्शन इन ए फिगर। ठीक है, कोई आपको जगह का नहीं पता, लेकिन फिर आप उससे डायरेक्शन पूछते हो, हैव यू समवन गिवन इन डायरेक्शन टू डू अदर। ठीक है, तो हाउ टू आस्क फॉर गिव डायरेक्शन। ठीक है, कि आप कैसे डायरेक्शन पूछोगे, व्हेन यू नीड टू गो टू ए न्यू प्लेस व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। ठीक है, यू आस्क समबडी एंड यूज ए मैप, या तो तुम आप गूगल मैप का यूज करते हो या फिर किसी से पूछते हो। व्हेन यू आस्क समबडी यू आस्क पोलाइटली, आपको बिल्कुल पोलाइटली पूछना है। स्टार्ट बाय सेइंग एक्सक्यूज मी, सीधी आपको कहोगे एक्सक्यूज मी। आस्क क्लियरली द प्लेस वेयर यू वॉन्ट टू रीच, आपको क्लियरली वो प्लेस पूछना है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल स्कूल है, राजा नगर रेलवे स्टेशन, या जहाँ भी है, पहले आपको क्या करना है, एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द नेशनल पार्क। ठीक है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो। एक्सक्यूज मी विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो वही कुछ ये सिंबल भी होते हैं, इनका याद रखना, जैसे ये टर्न लेफ्ट है, टर्न राइट है, यू टर्न है, गो स्टेट है, गो पास है, क्रॉस है, गो, तो इस तरह के ये सिंबल भी ध्यान रखने पड़े। इफ़ समवन आस्क यू फॉर डायरेक्शन यू शुड यूज़ द सेम मेथड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको भी यही मेथड रिपीट करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, दिस इज़ पोलाइट वे टू आंसर। वेन यू किसी ने आपकी हेल्प की तो आपको थैंक यू बोल दोगे पोलाइटली। ठीक है, पोलाइटली वे आंसर का आपने उसको धन्यवाद दे दिया। सेम थिंग बट इज़ मोर कैजुअल इश्यूज। ठीक है, थैंक्स कब बोलते हो? जब आपका फैमिली का या फ्रेंड्स में से कोई आपकी हेल्प वो करता है तो आप उसको थैंक्स बोल देते हो। दिस इज़ वन मोर पोलाइट वे, आई अप्रिशिएट द वे टू आंसर। ठीक है, एक और पोलाइट वे, आई अप्रिशिएट दैट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मेनली अपने थैंक्स और थैंक यू चलता है। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर है तो थैंक्स बोल लेते हैं, अदर है तो थैंक यू बोल देते हैं। ठीक है, मोर अबाउट सेटिंग यू, ये तो छोड़ दो इसको। इन ऑन नियर टू अपोजिट इन फ्रंट ऑफ, ये आप यूज़ करते हो जब आप किसी को डायरेक्शन बताते हो। ठीक है, तो आज की जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया, कल अपने नेक्स्ट जो स्किल है उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।